और सभी एक और खबर सामने आ रही है मिर्जापुर से, उसका रुख कर लेते हैं। मिर्जापुर से आम खबर आपको बता दें, जहां पर गंगा में 6 लोगों के डूबने से हड़कंप। मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा में 6 लोगों के डूबने से हड़कंप। 4 लोगों को बचाया गया तो वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। 6 लोगों के डूबने से हड़कंप, लेकिन 4 लोगों को बचा लिया गया और 2 लोगों की डूबने से मौत की खबर सामने आ रही है। जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। तो मिर्जापुर से यह बड़ी खबर, सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से लगातार हो रहे हैं हादसे। सुरक्षा के ठीक इंतजाम न होने से लगातार यहां पर हादसे हो रहे हैं। मिर्जापुर से खबर, जहां पर गंगा में 6 लोगों के डूबने से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, और 4 लोगों को बचा लिया गया है तो वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। और जिला प्रशासन पर भी आरोप लगे हैं, जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं कि ठीक व्यवस्था ना होने से यहाँ पर लोग डूब रहे हैं। हमारे साथ में आशुतोष त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता आशुतोष। सुरक्षा के ठीक इंतजाम बताया जा रहा है कि नहीं थे, इसी के चलते यहाँ पर 6 लोग जो हैं वो डूबे, हालांकि 2 की मौत, 4 लोगों को बचाया गया। जी, मैं आपको बता दें कि विंध्याचल जो है, विंध्य कॉरिडोर योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे दूर दूर से जो है विश्व पटल पे ये छाया हुआ है विंध्य कॉरिडोर, और दूर दूर से श्रद्धालु जो है योगी सरकार के विंध्य कॉरिडोर को देखने के लिए, माँ विंध्यवासिनी को दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और हम आपको बता दें कि मछली शहर जौनपुर निवासी दिलीप तिवारी अपने परिजनों के साथ माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने के बाद ये माँ विंध्याचल में ही परशुराम घाट पे सब परिवार गंगा स्नान कर रहे थे। गंगा स्नान के दौरान ही उनका एक पुत्र 17 वर्षीय ऋषि तिवारी और उनकी एक पुत्री 13 वर्षीय खुशी तिवारी जो कि गहरे पानी में जो है समा गए। उनको बचाने के चक्कर में और 4 लोग भी जो है डूब गए, लेकिन स्थानीय नाविकों की मदद से 4 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग जो है वहीं पे डूब गए। और 1 घंटे बाद जो है उनके खुशी तिवारी का शव मिला और ऋषि तिवारी का शव मिला। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाके जब वहां पे ले जाया गया तो डॉक्टरों ने दोनों को, भाई और बहन दोनों को मृत घोषित कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान होता है, क्योंकि जिला प्रशासन की जो भी सेवा होती है, जो भी यहाँ पे गोताखोर होते हैं, जो भी यहाँ पे पुलिस की तैनाती होती है जिला प्रशासन द्वारा, वो केवल नवरात्र के महीनों में की जाती है। साल भर में नवरात्र पड़ता है, दोनों 9-9 दिन पे केवल व्यवस्था की जाती है। उसके बाद यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, कोई इंतजाम नहीं किया जाती है, और आए दिन जो है ऐसी घटनाएं देखने की मिलती है। और आए दिन दूर दूर से जो भी श्रद्धालु आते हैं वो गंगा जी में जो है समा जाते हैं, डूबने से उनकी मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है वो जरूर है, और कार्यशैली पर इसी के चलते सवाल भी उठे। शुक्रिया आपका आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां पर गंगा में 6 लोगों के डूबने की खबर सामने आई। हालांकि रात की खबर ये कि 4 लोगों को निकाला गया, लेकिन 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, जिसके बाद प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सवाल उठे हैं, क्योंकि सही इंतजाम न होने के चलते यहाँ पर लोग डूब जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रशासन ठीक तरह से यहाँ पर काम नहीं कर रहा और सही इंतजामों की व्यवस्था भी नहीं की गई है। तो फिलहाल यह बड़ी खबर, सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से लगातार यहाँ पर हादसों की खबर सामने आती है। मिर्जापुर से खबर।